अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों क्या हाल है? दोस्तों मेरे पास आज नोकिया 210, इसके बटन के वेज आपके साथ शेयर करूंगा। 7, 8, 9 मेन्यू और बैक बटन, इसके जो इनर पॉइंट हैं इनके मैं आपके साथ वेज शेयर करूंगा। सबसे पहले इसका लिंक मदरबोर्ड की बैक साइड पर इस पॉइंट पर जा रहा है, उसके बाद इस पॉइंट पर, उसके आगे इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, उसके बाद ये इस पॉइंट पर। मैं आपको जूम करके चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये 7, 8 और ये 9, ठीक है, ये इनके पॉइंट जहाँ पर ठहरे हुए हैं। उसके बाद मेन्यू का पॉइंट इस पॉइंट जगह ठहरा हुआ है, और बैक की का ये देखें इस पॉइंट पर, और इसका ये देखें इस पॉइंट पर आ रहा है लिंक, उसके बाद इस पॉइंट पर जा रहा है। अब मज़ीद आगे चलते हैं कि इन 5 बटन के जो मज़ीद वेज हैं वो किस पॉइंट पर जा रहे हैं। इसके बाद ये इस पॉइंट पर आ रहा है, उसके बाद मदरबोर्ड के फ्रंट साइड पर इस पॉइंट पर आ रहा है, सॉरी इस पॉइंट पर आ रहा है। ये देखें उसके आगे इस पॉइंट पर जा रहा है। मैं आपको जूम करके चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये इस पॉइंट पर आ रहा है, मैंने जूम कर लिया है इस पॉइंट पर, और हम मज़ीद आगे चलते हैं। और मदरबोर्ड की जो फ्रंट साइड पर है ना, उसका लिंक मज़ीद इसका लिंक इस पॉइंट पर आ रहा है। इस पॉइंट पर, उसके बाद ये इस पॉइंट पर आ रहा है, हम मज़ीद आगे चलते हैं। आगे इसका लिंक इस पॉइंट पर आ रहा है, ये लास्ट पॉइंट है। उसके बाद ये सीपीयू में चला जाता है, ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद ये सीपीयू में चला जाता है। मैं मज़ीद आपको जूम करके चेक करवा देता हूँ। ये देखिए, इस पॉइंट से होता हुआ आगे इस पॉइंट पर जाता है, ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद ये सीधा सीपीयू में इस बबल पर जा रहा है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।